कोविड-19 के वायरस से नागरिकों को बचाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा सक्रिय बना हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में गुरुवार को कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिकों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय युवा दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। युवा दिवस सप्ताह के तहत 5 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कुइया गार्डन में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव से किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद निबंध प्रतियोगिता, जनजाति युवा संवाद, सैनिटाइजर, मास्क व वैक्सीन जागरूकता, रक्तदान शिविर और युवा मोर्चा कोरोना हेल्प डेस्क का शुभारंभ भी किया जाना है। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित प्रमुख बाजार में पहुंचकर नागरिकों व दुकानदारों को निःशुल्क मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार ने अपने हाथों से अनेक दुकानदारों, ठेलो वालों और राहगीरों को मास्क पहनाए और उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को दिखाने और समुचित इलाज कराने की सलाह भी दी। श्री पाटीदार ने नागरिकों से कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी नागरिकों को 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूर करना है। मास्क वितरण के दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।